वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जी एस वी आसू बी पी सी ट्री क्लास सिक्स टू एट के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है रुकमणि प्रकाशन की बुक से सोशल साइंस के लिए जिसमें आज हम लोग सेट नंबर फोर को लगाने वाले हैं इससे पहले सेट नंबर एक से तीन तक ऑलरेडी करा दिया गया है जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे मुक्त स्मारकों से संबंधित है तो दोस्तों वह शब्द हो जाएगा महापाशन काल ऑप्शन नंबर ए महापाषण काल शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे इस स्मारकों से संबंधित है महापाषण काल दक्षिण भारत में प्राग ऐतिहासिक युग से ऐतिहासिक युग में शुरुआत के मत का समय था प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले महापाषाणिक लोगों ने ही लोहे का उपयोग किया था अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है औलादीन खिलजी ऑप्शन नंबर ए औदीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है औलादीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था अगला प्रश्न है अठारह में पाइका विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था श्न इम्पोर्टेंट है अठारह सौ सत्रह के पाइका विद्रोह का, का नेतृत्व किया गया था बक्सी जगबंधु के द्वारा ऑप्शन नंबर बी अठारह सौ सत्रह के पाइका विद्रोह का, का नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया था पाइका विद्रोह अठारह सौ सत्रह से लेकर अठारह सौ पच्चीस ईस्वी तक चला था पाइका विद्रोह ओडिशा प्रांत से संबंधित है अगला प्रश्न है राजा रुद्रदामन डैश वन से संबंधित है राजा रुद्र दामन संबंधित है है ऑप्शन नंबर ए राजा शक वंश से संबंधित है सको का सबसे प्रतापी शासक रुद्र दामन था जिसका शासनकाल 130 से लेकर 150 सौ ईस्वी तक था अगला प्रश्न है पासरनाथ डैश जैन तीर्थकर थे पासरनाथ जैन तीर्थकर थे तेईस में ऑप्शन नंबर बी पासरनाथ इसमें जैन तीर्थकर थे पासरनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था पासरनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे पासरनाथ को समेत पर्वत जो कि झारखंड पर झारखंड में है वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कौन सी थी प्रश्न इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी तोसली ऑप्शन नंबर सी मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी तोसली थी मौर्य साम्राज्य के पांच प्रांतों का उल्लेख मिलता है उत्तरा पद की राजधानी तहसीला थी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी कलिंग की राजधानी तोसली थी दक्षिण पद की राजधानी स्वर्णगिरी थी प्राची या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से महाराष्ट्र में गुफाओं की चितकारी और मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित है महाराष्ट्र में स्थित कारले और कन्हेड़ी की गुफाएं प्रथम शताब्दी के आसपास की है अगला प्रश्न देखते हैं नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था तो दोस्तों वह युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में हिज राय हाइनेस डीक ऑफ कनाड के द्वारा रखी गई थी इंडिया गेट का डिजाइन एडवर्न लुटियंस के द्वारा किया गया था अगला प्रश्न है साइमन कमीशन डैश में भारत भेजा गया था साइमन कमीशन भारत भेजा गया था 1928 में जो कि ऑप्शन में नहीं है इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं साइमन कमीशन 1928 में भारत भेजा गया था सात सदस्यीय साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था अगला प्रश्न देखते हैं मुगल साम्राज्य में शाहजहां सा ने डैश तक शासन किया था मुगल साम्राज्य में शाहजहां सा ने शासन किया था सोलह से लेकर सोलह सौ ईस्वी तक शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का वास्तुकला के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है अगला प्रश्न है सल्तनत काल के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था सल्तनत काल की अवधि थी बारह सौ छह ईस्वी से लेकर पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी तक सल्तनत काल के दौरान दिल्ली पर पांच राजवंशों ने शासन किया था ऑप्शन नंबर सी पांच राजवंशों का नाम है गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश लोधी वंश सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का था जिसका कार्यकाल चौरानवे वर्ष का था सबसे छोटा शासनकाल खिलजी राजवंश का था जो कि तीस वर्षों का था अगला प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था लोधी वंश का संस्थापक शासक था बहलोल खान लोधी ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में बंगाल के गवर्नर जनरल को जिस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था वह अधिनियम हो जाएगा चार्टर्ड अधिनियम 1833 का ऑप्शन नंबर ए बंगाल के गवर्नर जनरल को चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को बनाया गया था प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले थे अगला प्रश्न देखते हैं चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ क्या होता था प्रश्न इंपॉर्टेंट है चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ होता था कर से ऑप्शन नंबर सी चोल प्रशासन के संदर्भ में ओएटी शब्द का अर्थ कर होता था अगला प्रश्न है सिकंदर की मृत्यु के बाद चंदु मौड़ के द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेलिकोस निकेटर सिकंदर की मृत्यु के बाद चंदु मौड़ के द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम सेलिकोस निकेटर था चंदु मौड़ ने 305 सौ ईस्वी में सेलिकोस निकेटर को हराया था सेलिकोस निकेटर का राजदूत मेगा था मेगा स्नित चंदु मोर के दरबार में रहता था अगला प्रश्न है दूसरी शताब्दी ईसापुर के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार के राजदूत के रूप में आए थे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग भद्र के दरबार में दूसरी शताब्दी ईसापुर के दौरान हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे अगला प्रश्न है नरसिंह वर्म प्रथम जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता था डैश राजवंश का शासक था आंसर है ऑप्शन नंबर सी पल्लव राजवंश का नरसिंह वर्धन प्रथम ने मामल के नाम से जाना जाता था पल्लव राजवंश के शासक थे नरसिंह वर्धन प्रथम पल्लव वंश के महानतम शासक थे अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न इंपॉर्टेंट है माओ जी डांग किस देश की सामवादी आंदोलन के नेता थे आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन के माओजी डांग चीन में साम्यवादी आंदोलन के जनक हैं अगला प्रश्न है चीन में उन्नीस सौ विद्रोह का क्या परिणाम हुआ चीन में उन्नीस सौ ग्यारह ईस्वी के विद्रोह का परिणाम हुआ एक की स्थापना ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सनिया सेन के द्वारा गणतंत्र की स्थापना की गई थी विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र लिखवी थी गणतन की राजधानी वैशाली थी वजी संघ के मुख्यालय भी वैशाली ही थी वर्तमान में सबसे पुराना गणतन फ्रांस में है अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है इसमें आपका गलत का पहचान करना है इसमें आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़ का किला कर्नाटक जो कि गलत दिया गया है जूनागढ़ का किला गुजरात में स्थित है बाकी दोनों सही दिए गए हैं रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में है मेहरानगढ़ का किला राजस्थान में स्थित है अगला प्रश्न है देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है जो युग्म सही है वह है ऑप्शन नंबर बी म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नए पिताओ जबकि कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी नोमपे बोनई की राजधानी हो जाएगी बंदर अजरबैजान की राजधानी हो जाएगी बाकू की राजधानी हो जाएगी यारेन, लेबनान की राजधानी हो जाएगी बेरूत। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है ऑप्शन है, नंबर ए दक्षिणी दिशा में कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है तमिलनाडु के पूर्वी भाग मुख्यतः कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहा जाता है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोरकुंडा तट कहा जाता है गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय तटी भाग उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट कहलाता है बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है अगला प्रश्न है पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है बड़ा इंपॉर्टेंट है पंजाब हिमालय अवस्थित है सिंधु और सतलज नदियों के मध्य ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न देखते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक नवंबर उन्नीस को केंद्रशासित क्षेत्र बनाया गया था दस डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करती है अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है जो पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है वह है महेंद्रगिरी ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगढ़ी दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी है जिंडागढ़ा जिसकी ऊंचाई है सोलह सौ नब्बे मीटर दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा अनाई मोदी अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर नाइन्टी सिक्स निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है कांडला जो कि गुजरात में स्थित है और यह एक ज्वार बंदरगाह है अगला प्रश्न है मियांडर नाम का भूभाग डैश द्वारा बना होता है आंसर है ऑप्शन नंबर सी नदी के द्वारा मियाडर नाम भूभाग नदी द्वारा बना होता है जब नदियां सीधे मार से न प्रभावित होकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरती है जिसके कारण छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं जिसे या मियाणर कहते हैं अगला प्रश्न देखते हैं मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृष्णा की मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियां हैं कोयना यला वर्ना पंचगंगा दूधगंगा घाट प्रभा मालप्रभा आदि कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडिज पर्वत श्रृंखला ऑप्शन नंबर सी एंडिज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडिज पर्वत की चोटी एकांगा गुआ है अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्थ में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है आंसर है ऑप्शन नंबर ए जून के महीनों में उत्तरी गोलार्थ में ग्रीष्मकालीन संक्रांति जून के महीने में होती है इक्कीस जून को कर्क रेखा साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिन गिरने से हुआ था तो दोस्तों वह झील हो जाएगी लोनार झील ऑप्शन नंबर सी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है तो दोस्तों वह झील हो जाएगी पुलिकट झील ऑप्शन नंबर सी पुलिकट झील श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है वेबनार झील केरल राज्य में स्थित है अगला प्रश्न है कलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों कलेडू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है कृष्णराज सागर बांध को किस नदी द्वारा बनाया गया है प्लस इंपॉर्टेंट है कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर ऑप्शन नंबर ए कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है अगला प्रश्न देखते हैं भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट भाग है भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का दो पॉइंट चार परसेंट रखता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं भारत का कुल क्षेत्रफल बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर है भारत दुनिया का क्षेत्रफल में सातवां बड़ा देश है अगला प्रश्न है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है आंसर है ऑप्शन नंबर ए अम्बाला शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर अंबाला शहर स्थित है अगला प्रश्न लिखते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन गैस मौजूद है आंसर है ऑप्शन नंबर बी अठहत्तर परसेंट पृथ्वी के वायुमंडल में अठहत्तर परसेंट नाइट्रोजन गैस मौजूद है जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा इक्कीस परसेंट है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है प्रश्न इंपॉर्टेंट है द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है वह नक्षत्र हो जाएगा सप्तऋषि ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न देखते हैं तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है तापी नदी प्रवाहित नहीं होती है राजस्थान राज्य से ऑप्शन नंबर सी तापी नदी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात में प्रभावित होती है तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुरा श्रेणी से निकलती है अगला प्रश्न है धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है धूपगढ़ की पहाड़ियां स्थित है मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर सी सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है अगला प्रश्न है भारत के महान्यवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है भारत के महान्यवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ऑप्शन नंबर सी भारत के महान्यवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है महान्यवादी के कार्यकाल को संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया है इसके अलावा संविधान में इन्हें पद से हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है अनुच्छेद क्षेत्र चार के अनुसार महानेवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं संविधान के भाग पाँच में अनुच्छेद क्षेत्र के अंतर्गत भारत में महानेवादी के पद का सृजन किया गया है महानेवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अगला प्रश्न है भारत में डैश संविधानिक संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई तो दोस्तों वह संवैधानिक संशोधन था इकसठवा संवैधानिक संशोधन ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न है भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रथम अनुसूची भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ते से संबंधित है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है अगला प्रश्न है प्रसिद्ध केशवानंद वाद जो जो कि उन्नीस में हुआ था निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था प्लस इंपॉर्टेंट है प्रसिद्ध केशवानंद भारतीयवाद वाद संबंधित था प्रस्तावना का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के दुष्प्रेषण से संबंधित है भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेशन से संबंधित है आईपीसी का भारत में जनक लॉर्ड मेकाले है आईपीसी बनकर अक्टूबर उन्नीस सॉरी अठारह में तैयार किया गया था आईपीसी लागू हुआ 1 जनवरी अठारह ईस्वी में अगला प्रश्न है, देखते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 एक का डी डैश से संबंधित है भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 एक का डी संबंधित है समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन का अधिकार ऑप्शन नंबर ए अगला प्रश्न है संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी आंसर है ऑप्शन नंबर मर… सी तेरह समितियां संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने तेरह समितियां बनाई थी संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए आठ बड़ी समितियां और तेरह छोटी समितियां बनाई थी जैसे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक एवं जनजातियों से संबंधित अध्यक्ष थे सरदार पटेल नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतिम सरकार का नव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था तो दोस्तों वह वर्ष था वर्ष 1946 का ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1946 में भारत की अंतिम सरकार का नव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन के सुझाव गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम उन्नीस के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया तो दोस्तों वह संशोधन था उनहत्तरवां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर ए उनहतरवां संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम उन्नीस के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया उनहत्तरवां संशोधन के तहत दिल्ली के लिए सत्तर सदस्यीय विधानसभा एम सात सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है लेकिन सभी वित्त विधेयक

अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 202 राज्यों की वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा सद प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों वह शब्द हो जाएगा लेम डक ऑप्शन नंबर बी नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का दसवा हिस्सा होता है लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मोक रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है तो दोस्तों वह भाग हो जाएगा भाग 11 ऑप्शन नंबर सी भारत के संविधान के भाग 11 मोक रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है है आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद तीन सौ के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजि सेवाएं माना जाता है अनुच्छेद तीन के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है अगला प्रश्न है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य का भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है देखते है। हैं भारत में आस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है भारत की आस्मिकता निधि का संरक्षक होता है भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद दो के अनुसार संसद को आस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज सूची में शामिल मामला है भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज सूची में शामिल मामला है बाजार और मेले ऑप्शन नंबर सी बाजार और मेला भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज सूची का विषय है राज सूची में पहले छियासठ विषय थे वर्तमान में राज सूची के अंतर्गत उनसठ विषय शामिल हैं। राज सूची में वर्णित कुछ प्रमुख विषय हैं पुलिस जेल सार्वजनिक व्यवस्था कृषि सिंचाई तथा स्वास्थ्य अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है अनुच्छेद तीन अगला प्रश्न है संसद के दुई सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है संसद के दु सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहत यानी कि विड्रॉन किया जा सकता है आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजपाल के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद दो के तहत घोषित अध्यादेश को राज्यपाल के द्वारा विथड्रॉन किया जाता है अगला प्रश्न है राजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधियाचना द्वारा 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना आयो की, की गई थी अगला प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा डैश आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है आंसर है ऑप्शन नंबर ए मासिक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई उन्नीस में हुई थी एन की स्थापना 1950 में किया गया था एन और सी के विलय कर 2019 में एन की स्थापना की गई अगला प्रश्न देखते हैं विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए हैं आंसर है ऑप्शन नंबर ए उन्नीस में विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम उन्नीस में निर्धारित किए गए है। हैं अगला प्रश्न लिखते हैं ड सरकार के काराधान और बेयर निर्णयों का प्रबंधन करती है आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति सरकार के काराधन और बेयर निर्णयों का प्रबंधन करती है अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्ष उन्नीस में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत वर्ष उन्नीस में की गई थी लीड बैंक की शुरुआत गौडिल समिति की सिफारिश पर हुई थी अगला प्रश्न है आरबीआई अधिनियम उन्नीस की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है आर अधिनियम उन्नीस की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आर की, की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं आंसर है ऑप्शन नंबर बी छः सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल छः सदस्य होते हैं गवर्नर जनरल मौद्रिक नीति का अध्यक्ष होता है एक वर्ष में चार बार मौद्रिक नीति जारी किया जाता है अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है वह है लकड़ी का फर्नीचर ऑप्शन नंबर ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उन्हें जोखिम भरी एम काला कालाबाजारी से रोकने के लिए बनाया गया था अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गरीबी का सूचक नहीं है गरीबी का सूचक नहीं है पक्का घर ऑप्शन नंबर ए पक्का घर एक विकल्प गरीबी का सूचक नहीं है गरीब वह है जो भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम ना हो अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संचित शब्द जी एफ एफ का पूर्ण रूप का निम्नलिखित में से कौन सा है तो दोस्तों जी एफ एफ का पूर्ण रूप है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगला प्रश्न है आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी यानी कि लिवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक डैश पूंजी आधार पर डैश उधार दे सकती है आंसर है ऑप्शन नंबर बी समान तथा अधिक आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक समान पूंजी आधार पर अधिक उधार दे सकते हैं अगला प्रश्न है भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना डैश में की गई थी प्रश्न इंपॉर्टेंट है भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना की गई थी वर्ष उन्नीस में ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न देखते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट समायोजन होती है आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवृद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का मुद्रास्फीति जनित मंदी अवृद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का विशिष्ट संयोजन होती है मुद्रास्फीति मुद्रा का वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल वस्तु की तुलना में कम हो जाती है अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन यानी कि आउटपुट में से निविश यानी कि इनपुट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है आंसर है ऑप्शन नंबर बी जी बी ए भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन में निविश यानी कि इनपुट घटाने पर जी प्राप्त होता है जी का पूरा नाम है गोडॉस वैल्यू एडेट राजकोषी नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है अगला प्रश्न है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता डैश में संशोधन किया गया आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2016 में अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने 30 वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष उन्नीस में भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने वर्ष उन्नीस में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था अगला प्रश्न देखते हैं एन ई एफ वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह या बैच में संशोधित किया जाता है एन ई एफ टी का पूर्ण रूप क्या है एन ई एफ टी का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1921 से उन्नीस की अवधि को भारत में 1921 से लेकर उन्नीस की अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है जनगणना का महान विभाजक वर्ष उन्नीस को कहा जाता है जनगणना का लघु विभाजक वर्ष उन्नीस को कहा जाता है अगला प्रश्न है कृषि लागत एवं मूल आयोग जिसे पहले कृषि मूल आयोग नाम दिया गया था इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी कृषि लागत एवं मूल आयोग जिसे पहले कृषि मूल आयोग नाम दिया गया था इसकी स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही है उपयुक्त में से कोई नहीं अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री ऑप्शन नंबर ए जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था भारत जीएसटी लागू करने वाला एक देश भारत है जीएसटी परिषद की स्थापना बारह सितंबर 2016 में की गई थी जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल पंद्रह डिजिट हैं जीएसटी की निर्धारित की गई दरें हैं जीरो परसेंट पाँच परसेंट बारह परसेंट अठारह परसेंट तथा अट्ठाईस परसेंट थैंक यू